Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उम्दा स्वाद, आकर्षक रंग और पौष्टिक तत्व से भरपूर लाल भिंडी, जिसे काशी लालिमा के नाम से भी जाना जाता है, भिंडी को चाहने वालों के लिए किसी सौगात से ये कम नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 23 साल की मेहनत के बाद भिंडी की नई प्रजाति काशी लालिमा की विकसित करने में सफलता पाई है। लाल रंग की ये भिंडी एंटीऑक्सीडेंट व आयरन, कैल्शियम सहित अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है। इस कलर की भिंडी अब तक पश्चिम देशों में प्रचलन में रही हैं और भारत में आयात होती रही हैं। इसके विभिन्न किस्मों की कीमत 100 से 500 रुपए प्रति किलो है। दरअसल लाल भिंडी के विकास इसी तरह की भिंडी से हुआ है जो कभी और पाई गई थी। वैज्ञानिकों ने चयन विधि का प्रयोग करके इस लाल भिंडी की प्रजाति को विकसित किया। इस भिंडी में आम हरी सब्जी, यहाँ तक कि भिंडी में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की जगह एंथोसाइनिन की मात्रा होती है, जो इसे लाल रंग का वजह बनती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के तकनीकी अधिकारी बताते हैं कि इस भिंडी को लगाने में किसानों को 1.5 गुना तक फायदा होगा, क्योंकि इसको लगाने के तरीके से लेकर लागत तक सब कुछ सामान्य भिंडी की तरह है। इस आकर्षक भिंडी को बेच कर किसान 1.5 गुना ज़्यादा बाजार से मुनाफा कमा लेंगे। वहीं संस्थान के निदेशक की माने तो ये भिंडी अपने आप में बहुत चमत्कारी है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, जिनके शरीर में फॉलिक अम्ल की कमी के चलते बच्चों के मानसिक विकास नहीं पाती है। फॉलिक अम्ल भी इसकी काशी लालिमा भिंडी में पाया जाता है। इतना ही नहीं, इस भिंडी में पाए जाने वाले लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हृदय संबंध बीमारी, मोटापा और डायबिटीज को भी नियंत्रित करती है। संस्थान के निदेशक बताते हैं कि लाल या हरी भिंडी पकने के बाद स्वाद में एक जैसी होती है। ये बताते हैं कि इस भिंडी को बेचकर किसान मुनाफा कमाएंगे और वैज्ञानिक इस लाल भिंडी की पैदावार को बढ़ाने में पर भी काम कर रहे हैं। एक हेक्टेयर में हरी भिंडी 190 से 200 क्विंटल पैदावार देती है, वहीं काशी लालिमा की उपज 130 से 150 क्विंटल तक ही है।